हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। देखो, जब हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं, टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज़ करके हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। पर इन सब टूल्स का यूज़ करने से पहले एक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगी, जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वो अल्ट्रावायलेट लाइट हो, विजिबल इंफ्रारेड या फिर फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, एसडा, वीएससी, इतने सारे टूल्स होते हैं। बट उन सब के बारे में जानने से पहले हम किसी भी चीज़ का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करते हैं, तभी हम उसको, उस एग्जामिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो लेट अस नो सम पॉइंट्स विच आर जनरली कंसीडर्ड इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने पूरा जो इंट्रोडक्शन होता है, डेफिनेशन क्या है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की, कितने टाइप के होते हैं, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे चेक की जाती है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। चलो, तो अब देखो, जब भी हम किसी भी डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करते हैं तो यहाँ पर कुछ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब अगर कोई जनरल इंसान है, मतलब कोई लॉ वाला बंदा है, तो वो साइंटिफिक टेक्निक्स नहीं लगा पाएगा। उसको इस वाली हैंडराइटिंग में और इस वाली हैंडराइटिंग में फ़र्क पता करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन होता है वो एक एक्सपर्ट जो कि इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हो, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन एक्सपर्ट हो, उन्हीं की जो रिपोर्ट होती है वही मानी जाती है। ठीक है, तो आप एक नॉन साइंटिफिक इंसान की रिपोर्ट को जो है कोर्ट में नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर देखो, सिग्नेचर और राइटिंग का कंपैरिजन, ठीक है, सिग्नेचर और राइटिंग का कंपैरिजन तो होता ही है, बट उसके साथ साथ इंक, टाइप्ड मैटर, प्रिंटेड मैटर, वाटरमार्क एंड ऑल अदर एलिमेंट्स, इन सब का एग्जामिनेशन भी अलग अलग होता है। नाउ बीइंग अ फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट, आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इंक कितने टाइप की होती है, इंक का एग्जामिनेशन कैसे होता है, अलग अलग टाइप की इंक में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। टाइप्ड मैटर, ठीक है, अब टाइप्ड मैटर के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। पेपर का भी अलग अलग टाइप होता है, अलग अलग तरीके के पेपर होते हैं। आप कॉपी खरीदने जाते हो तब अलग अलग पेपर देखते हैं, कोई येलो कलर का है, कोई पिंक कलर का पेज है, कोई एकदम वाइट है, तो अलग अलग टाइप के पेपर्स होते हैं, उनका भी एग्जामिनेशन किया जाता है। और साथ ही में इसके अलावा जो प्रिंटर होता है, ठीक है, प्रिंटर में भी डिफरेंशिएट किया जाता है, हर प्रिंटर अलग अलग तरीके से प्रिंट करता है। तो ये सारे टॉपिक्स अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक हैं, तो ये पूरा एक एक लेक्चर इन टॉपिक्स पर आएगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ नॉट कम्प्लीट अंटिल इट्स एवरी एलिमेंट हैज़ बीन स्टडीड एंड एग्जामिन्ड थरली। जब तक आप इन सारे एलिमेंट्स को, पेपर, हाँ, और पेन के भी टाइप होते हैं, पेन, साथ में इंक, इंक के बाद में प्रिंटर, इन सब का एग्जामिनेशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करने के लिए कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टार्ट करोगे, आपको कोई भी पेपर मिला है, आपको इस पेपर का एग्जामिनेशन करना है, तो आप सबसे पहले उसमें क्या देखोगे कि इस द पेपर ऑफ अनयूजुअल साइज और इट वॉज कट और ट्रिम्ड बाय हैंड एट एनी मार्जिन। सबसे पहले ये देखोगे भाई कहीं मार्जिन से कट किया गया है क्या, और ये जो साइज है पेपर का यही ओरिजिनल साइज है या फिर इसको इधर से कट करके छोटा कर दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही देखना, पेपर कंप्लीटली आपको मिला है, इनकम्प्लीट है, कहीं से फटा हुआ है, काटा हुआ है, क्या है। दूसरा पॉइंट ये देखना है, हाउ मेनी टाइम्स द पेपर हैज़ बीन फोल्डेड, कितने बार इस पेपर को फोल्ड किया है। जब भी कोई पेपर फोल्ड किया जाता है तो उसमें क्रीज दिखने लगती है ना, यहाँ पे फोल्डिंग जो है वो आपको देखने लगेगा, तो वो देखना है आपको कितने बार फोल्ड किया गया है और सीक्वेंस ऑफ फोल्ड क्या है, पहला फोल्ड, दूसरा फोल्ड, तीसरा फोल्ड, कहाँ से कैसे फोल्डिंग की गई है, वो भी आपको चेक करना है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो ये होता है कि कोई इसमें आर्टिफिशियल एजिंग है क्या, मतलब कितना पुराना पेपर है। जैसे नोट जो होते हैं करेंसी, ये आप देखो, ये फोटो मैंने लगाई हुई है, तो कई बार नोट पुराने फटे एकदम ही बुरी हालत में मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, चेंज करा लेते हैं, टॉर्न है, वेटेड है, म्यूटिलेटेड है, बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है, तो वो भी आपको देखना है इन एनी वे, एंड इफ सो देन व्हाट आर द प्रोबेबल रीजन, भाई ये ऐसा क्यों मिला है। अगर मान लो नॉर्मल है, चलो करेंसी नोट से हटके अगर हम बात करें, तो कोई नॉर्मल पेपर मिला है, अगर ये पूरा फटा हुआ है या
पूरा म्यूटिलेटेड है, म्यूटिलेटेड मतलब पूरा फट गया है, गल चुका है, एकदम बहुत ही बुरे हालत में है, तो ऐसा क्यों है? क्या ये कितना पुराना हो चुका है, या इस पर कोई केमिकल का यूज़ किया गया है, इसको ख़राब करने की कोशिश की गई है, जो कुछ भी है ये आपको पता करना है, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट आता है इंडेंटेशन मार्क। अब इंडेंटेशन मार्क क्या होता है, बचपन में आप सभी ने कॉपी में लिखा होगा, किसी किसी की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर से लिखते हैं, इतने प्रेशर से लिखेंगे कि इस पेज के पीछे जितने भी पेज हैं पता चले 4-5 पेज तक वो पूरी इंडेंटेशन दिख रही है ना, कोई कोई बहुत वो प्रेशर से लिखता है तो इस तरीके से दूसरे पेज में भी दिखने लगता है, दिस इज़ नोन एज इंडेंटेशन। तो वो भी आपको देखनी है कि क्या इस पेपर में कोई इंडेंटेशन मार्क है फ्रंट साइड में, या फिर एम्बोज स्ट्रोक्स हैं रिवर्स साइड में। अब देखो बचपन में ये भी किया होगा कि हमें जब देखना होता है कि दूसरे पेज पर जो हमने लिखा है वो आया है या नहीं, तो हम पेंसिल लेके पेपर पे इस तरीके से करते हैं, तो हमें ये जो है दिखने लगता है ना। तो ये मतलब सिर्फ इसका ये है कि हाँ यहाँ पे कुछ इंडेंटेशन मार्क हैं, बाकी इंडेंटेशन चेक कैसे किया जाता है उसके लिए ऑलरेडी एक टूल आता है एसडा जैसे हम बोलते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपको अभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सिर्फ नेकेड आई से आपको देखना है कि क्या यहाँ पे कोई इंडेंटेशन मार्क है। इसके बाद में आपको ये देखना है कि डज द पेपर शो एनी फिजिकल और केमिकल इरेजिंग। अब देखो यहाँ पे ऑल्टरेशंस आपको चेक करनी है, ऑल्टरेशंस में क्या हो सकता है, ऑल्टरेशन में हो सकता है इरेजिंग गई हो, या फिर एडिशन किया गया हो, या सब्स्टिट्यूशन किया गया हो, ठीक है, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो आपको एक सैंपल दिख रहा है हैंडराइटिंग का, आप इसमें देख सकते हो कि इसमें एडिशन किया गया है, तो जब इसको टूल यूज करके, ठीक है, यूवी लाइट में इसको देखा गया तो ये देखा गया कि भाई यहां पर अलग से जो है एडिशन, इंक का कलर जो है चेंज दिख रहा है, तो ये समझ में आ जाता है। तो ये भी आप ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी आपको चेक करना है कि भाई आप को जो है कोई केमिकल, फिजिकल इरेजिंग, ऑब्लिटरेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर ऑल्टरेशन दिख रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में डॉक्यूमेंट रिटर्न और टाइप्ड बिफोर और आफ्टर द पेपर वॉज फोल्डेड। अब ये जो लिखा आपको जो डॉक्यूमेंट मिला है, अब उसमें जो कुछ भी लिखा है या टाइप है वो पेपर फोल्ड करने से पहले लिखा गया था या पेपर फोल्ड करने के बाद में लिखा गया है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है पेपर फोल्डेड हो और फोल्डिंग खोल के उस पर लिखा गया हो, फिर वापस फोल्ड किया गया हो, तो ये चीज़ें पता करना बहुत ज़रूरी होती हैं। ये माइन्यूट चीज़ें जो हैं वो नॉन साइंटिफिक पर्सन नहीं कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वॉज मोर देन वन काइंड ऑफ इंक और पेन यूज टू राइट द बॉडी। वही इंक का एग्जामिनेशन, पेन का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है कि भाई एक ही पेन से लिखा गया है या पेन चेंज भी किया गया है, और अगर पेन चेंज किया गया है तो क्यों किया गया है, इंक ख़त्म हो गई थी कि हो सकता है आधा पेज लिखा हो एक पेन से, आधा पेज दूसरे पेन से, लेकिन ये भी हो सकता है कि ऐसे ऐसे एक एक लाइन छोड़ के किसी ने लिखा हो और बीच में दूसरे पेन से किसी ने एडिशन किया हो, तो इसलिए चेक करना ज़रूरी है कि एक ही पेन का यूज़ हुआ है, अलग अलग पेन का यूज़ हुआ है, एक ही इंक है या फिर इंक में भी चेंजेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डॉक्यूमेंट में कोई अननेचुरल स्पेसिंग दिख रही है क्या, मान लो ये इस तरीके की लाइन लिखी है और इसके बीच में एक लाइन और ऐड कर दी, तो आपको इस लाइन के बीच का जो डिफरेंस है स्पेसिंग वो अलग दिख रहा है, इन दोनों लाइन के बीच का स्पेसिंग अलग दिख रहा है, तो कुछ डाउट जाएगा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशन डिलीशन कुछ ना कुछ तो किया गया है, इसलिए इसमें अननेचुरल स्पेसिंग दिख रही है, ठीक है, तो ये भी चेक करना होगा। इसके बाद में जो चेक करना होगा वो होगा इज़ द बॉडी राइटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट रिटर्न इन कंटिन्यूटी बाय वन और द सेम राइटर। मतलब वही चीज़ की आधा पेज हो गया, ठीक है, इतना पेज आपने लिखा है और मतलब किसी राइटर ने लिखा है, फिर आगे का पेज भी उसी राइटर ने लिखा है या फिर कोई तीसरा राइटर यहाँ पे आया है, ठीक है, या फिर कोई अदर पर्सन आके इस पेज को कंप्लीट करके गया, तो ये भी चेक करना है कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेम पर्सन ने लिखा है या फिर आगे जो है वो उसमें चेंजेस दिख रहे हैं। और लास्ट चीज, कोई भी अनयूजुअल फीचर हो सकता है, आपको लग रहा है कि भाई ये जो लिखा है ये कुछ ना कुछ अनयूजुअल लग रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो उसका भी आपको एग्जामिनेशन करना होगा। ये सिर्फ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, ये बिल्कुल भी इन एग्जामिनेशन, ये मतलब आपने देखा, आपको जो पेपर देख के चीज़ें समझ में आई हैं वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके अलावा भी एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 73 में ये चीज़ बोली गई है, मैं ये पढ़ के बता देती हूँ। इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर अ सिग्नेचर राइटिंग और सील इज दैट ऑफ अ पर्सन बाय होम इट
purports to have been written or made any signature writing or seal admitted to prove to satisfaction of the court to have been written or made by that person may be compared with the one which has to be proved. Although that signature writing or seal has not been produced or proved for any other purpose. मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर the court जो होता है इस सेक्शन में इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से अ कोर्ट कैन समन एनी इंडिविजुअल, जैसे किसी कोर्ट को लग रहा है कि भाई हमें शक है कि इस आदमी ने जो है इसने लिखा है ये, ठीक है अब कंफर्म करना है, तो कोर्ट के पास में ये पावर होती है कि वो उस पर्सन को बुलाकर ठीक है अपने हिसाब से एक सैंपल डॉक्यूमेंट लिखवा सकता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो ये कोर्ट के पास में पावर है, कोर्ट कभी भी किसी को जिस पर उनको शक है तो उनके अगेंस्ट एक समन निकाल सकता है और राइट और उनके पास में ये राइट है कि वो उनसे लिखवा सकता है कि भाई आप इतना ये पेज हमको लिख कर दो क्योंकि इनको जो है उस पर्सन पर डाउट है, तो कंपैरिजन के लिए वो लिखवा सकता है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 73 में मेंशन है। इसके बाद में अब हम बात करें अगर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 45, ठीक है सेक्शन 45, द कंपैरिजन ऑफ हैंडराइटिंग एंड एविडेंस ऑफ स्पेशली स्किल्ड स्पेशलिस्ट इज अलाउड। अब देखो अभी मैंने जो बताया था कि स्पेशली स्किल्ड स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनका ही जो रिपोर्ट है वो यहाँ कोर्ट मानेगी। तो इस एक्ट में क्या लिखा है पहले सेक्शन में देख लो, सेक्शन 45 में बोला गया है व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और ऑफ साइंस और आर्ट और एज टू आइडेंटिफाई ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशन द ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन सच फॉरेन लॉ सच साइंस और आर्ट और इन क्वेश्चन एज टू आइडेंटिफाई ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशन आर रेलिवेंट फैक्ट एंड एडमिसिबल इन कोर्ट। देखो ये तो भाई लॉ की लैंग्वेज होगी, हमें समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही होगी, तो इसको मैं आसान लैंग्वेज में बता देती हूँ कि जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है ठीक है एग्जामिनेशन तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा until its every element has been studied, हर एलिमेंट यानी कि हैंड राइटिंग के साथ साथ सिग्नेचर के साथ साथ पेन पेपर इंक ठीक है ये सब चीज़ें। अब टाइप्ड है तो उसमें भी आपको चेक करना है, टाइप्ड है रिटन है, अगर टाइप्ड है तो क्या प्रिंटर यूज़ कर रहा है क्या इंक यूज़ करी है, एवरी एस्पेक्ट सारे के सारे एस्पेक्ट देखना ज़रूरी है। और साथ ही में ये ओपिनियन होनी चाहिए एक्सपर्ट ओपिनियन, अगर एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं ली जाएगी तो जो पर्सन इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता है उसकी ओपिनियन को कोर्ट नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये बोलता है सेक्शन नंबर 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये एक्ट याद रखने हैं हमें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 45 और सेक्शन 73। सेक्शन 73 में क्या है कि कोर्ट किसी भी पर्सन को बुला सकता है जब भी उनकी मर्जी होगी एक सैंपल लिखवाने के लिए। सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये बोलता है कि जब तक आप एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं लोगे और सारे के सारे एलिमेंट्स की स्टडी नहीं की जाएगी एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है इज दैट क्लियर। तो यही था पार्ट टू में जिसमें हमने देखा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे किया जाता है। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से बेसिक टूल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है एग्जामिनेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।